हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो में मैं काफी ज्यादा जबरदस्त माइक्रोस्कोप की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों देख सकते हो, इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें माइक्रोस्कोप। इसका प्राइस है 2200 रुपीज। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अमेजोन का, वहां से जाकर आप चाहे तो इस माइक्रोस्कोप को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त इसके फटाफट से इस बॉक्स को मैं कर लेता हूं ओपन यहां से। दोस्तों आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। दोस्तों आपको पता ही होगा, मेरे पास इसको मिलाकर टोटल अभी तक 3 माइक्रोस्कोप्स हो चुके हैं। ये जो माइक्रोस्कोप है उन दोनों माइक्रोस्कोप में से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो पुराने वाले माइक्रोस्कोप्स भी मेरे पास जितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना और पुराने वाले माइक्रोस्कोप से इस माइक्रोस्कोप को कंपेयर भी करके हम लोग आज की वीडियो में देख लेते हैं। तो पहले चलो दोस्तों फटाफट से माइक्रोस्कोप को निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ पे हमें मिला है एक प्लास्टिक कवर इस माइक्रोस्कोप को प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट वगैरह से, और माइक्रोस्कोप को क्लीन करने के लिए क्लॉथ मिला है, और ये है हमारा माइक्रोस्कोप। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है ये, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ये इसके साथ हमें एक इल्यूमिनेटर भी मिलता है, तो इसे किस तरह से यूज़ में लेना है मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे गाइस इसके आईपीस ये कितने एक्स के हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पे एक आईपीस मिलता है हमें 15x का, वाइड फील्ड है ये। और एक है ये शायद 10x का होगा, ये है 10x आईपीस। तो इन्हें ध्यान से रख देता हूँ यार मैं साइड में। और दोस्तों यहाँ पे हमें मिला है एक माइक्रोस्कोपिक कवर ग्लास। जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो स्लाइड के ऊपर एक ग्लास आता है, तो ये रहा, ये एक 18mm का कवर ग्लास भी देखने को मिलता है हमें, तो इसे रख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे है, वाओ दोस्तों मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके साथ हमें इतने ढेर सारे स्लाइड्स देखने को मिलेंगे। टोटल देख रहे हो गाइस, यहाँ पे हमें 50 पीसेस का पैक मिलता है, ये सारे के सारे एम्प्टी स्लाइड्स है। तो इन्हें रख देता हूँ मैं साइड में। और यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगी मेरे को, 2 प्रीपेड स्लाइड्स भी मिलते हैं हमें। प्लांट टिश्यू का एक स्लाइड है, इसके ऊपर आपको एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम आज की वीडियो में चेक भी करेंगे, देखते हैं प्लांट टिश्यू किस तरह का नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर से। और यहाँ पे भी आपको ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है देखते हैं, ये डिकोड स्टेम है, तो इसको भी मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आपको दिखाने वाला हूँ डिकोड स्टेम जो है किस तरह से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने अभी तक कितने माइक्रोस्कोप की वीडियो डाली है, मेरे पास कितने माइक्रोस्कोप्स है। तो देख रहे हो गाइस, ये है मेरा चैनल चटपट टॉय टीवी। सबसे पहले मैंने जो है ये वाले माइक्रोस्कोप की वीडियो डाली थी, इसका प्राइस है 800 रुपीज़। उसके बाद में ये वाला माइक्रोस्कोप मैंने खरीदा था, उसके बाद में ये वाला माइक्रोस्कोप खरीदा था। रिसेंटली जो है मैंने एक डिजिटल माइक्रोस्कोप भी खरीदा था, तो मेरे पास अभी जो है सिर्फ ये एक ही माइक्रोस्कोप बचा हुआ गाइस, आप देख रहे हो। बाकी जो माइक्रोस्कोप थे मैंने वो कुछ स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को दे रखा है। तो ये माइक्रोस्कोप और इस माइक्रोस्कोप की आप देख रहे हो क्वालिटी, ये जो माइक्रोस्कोप है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसका प्राइस तकरीबन है 1800 रुपीज़। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो माइक्रोस्कोप है पूरी तरीके से मेटल का ही बना हुआ है, पर बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलता है, पर ये जो माइक्रोस्कोप है देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है। मेरे ख्याल से इसका वेट तकरीबन होगा 5 किलो तो होगा यार, इतना ज़्यादा भारी है। यह पूरी तरीके से आयरन का बना हुआ है, आप देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे आईपीस यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो आईपीस रख देते हैं पहले हम लोग फटाफट से। यहाँ पर मैं रखूँगा यहाँ पर 15x का एक आईपीस, इस तरह से रखना होता है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हो आईपीस को। और ये आ जाता है जी लैब की तरफ से, यानी कि गुप्ता ऑप्टिक्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ से। और ये जो माइक्रोस्कोप है पूरी तरीके से ISO सर्टिफाइड है। तकरीबन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में जी लैब के माइक्रोस्कोप्स ही यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं अभी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इसको ऊपर नीचे करके हम कोर्स फोकस कर सकते हैं, देख रहे हो,
ये है फाइन फोकस, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फाइन काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज फोकस करना है तो इसे यूज़ करके हम कर सकते हैं। और इसे बोलते हैं स्टेज, और यहाँ पे हमें स्पेसिमेन रखना होता है। इसके साथ हमें एक इल्यूमिनेटर मिरर भी देखने को मिलता है, ये रहा। तो इसे यहाँ पर किस लिए लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, जब बाहर की जो रोशनी है इसके ऊपर गिर के यहाँ से यहाँ को रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है। जब हम इसे इंडोर में यूज़ करते हैं तो ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। फिलहाल इसे मैं रख देता हूँ साइड में। इसके प्लेस में हम यूज़ करेंगे ये वाला इल्यूमिनेटर। तो इसके अंदर हमें दो बैटरीज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख रहे हो। और यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे मैं लगा देता हूँ गाइस यहाँ पर, इसे प्रेस करना होता है। अभी देख रहे हो यहाँ पर जो है इसकी जो रोशनी है यहाँ पे गिर रही है। यहाँ पे हमें एक डायफ्राम भी देखने को मिलता है, देख रहे हो, जैसे कैमरे का शटर होता है उसी तरह का यहाँ पे एक चीज़ दी जाती है, ताकि जितनी भी रोशनी है प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्कोप को मिल सके। और इस माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये जो ऑब्जेक्टिव है 45x का है और इसका अपर्चर है 0.65। एक और है, ये है 10x और इसका अपर्चर है 0.25। आप चाहे तो इन ऑब्जेक्टिव्स को खोलकर दूसरे वाले भी लगा सकते हो, तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी लगाने के लिए यहाँ पे देख रहे हो। इसे खोलकर आप चाहे तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो ज़्यादा पावर का। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है गाइस, आप देख रहे हो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है। तो चलो दोस्तों, अभी हमें जो स्लाइड्स मिले हैं इन स्लाइड्स को चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। मैं और भी स्लाइड्स आपको प्रिपेयर करके बताता हूँ। दोस्तों माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने डिकोड स्टेम का स्पेसिमेन रख दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने 3 से 4 स्लाइड्स जो है अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। एक है लीफ, एक है डेड मॉस्किटो, और यहाँ पे एक फ्लावर है, और यहाँ पे हमें इसके साथ ही एक प्रिपेयर्ड स्लाइड मिला था, ये है प्लांट टिश्यू। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे ये वाला जो स्पेसिमेन रखा है इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से। तो थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ओ भाई साहब, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इसे। ओके, तो दोस्तों अभी आप इसे देख रहे हो काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है ये। दोस्तों आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया है, तो अभी तक आपने कितनी देर तक माइक्रोस्कोप यूज़ किया है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो अभी इस स्लाइड को चेंज करते हैं। नीचे देख रहे हो एक लीफ है, तो इसको मैं माइक्रोस्कोप में से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ओ भाई साहब, देख रहे हो गाइस पूरे लीफ का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। वाह भाई दोस्तों, मज़ा आ गया यार। तो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी है इस माइक्रोस्कोप के अंदर, हर चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। मैंने यहाँ पर मेरा एक ब्लड सैंपल रखा है, तो इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से किस तरह से दिखाई देता है। ओ माय गॉड गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो ये है मेरा ब्लड सैंपल। वाओ, भाई ये कोई प्लैनेट की तरह दिखाई दे रहा है यार, जैसे मार्स प्लैनेट है, रेड प्लैनेट उसी तरह का ही दिखाई दे रहा है ये। वाव दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़ारा है ये। तो माइक्रोस्कोप के नीचे से चीज़ों को देखने का मज़ा ही अलग होता है गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हो, ये है मेरा ब्लड। वाव, मज़ा आ गया यार। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना, ये जो माइक्रोस्कोप है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया हुआ है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये माइक्रोस्कोप। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस माइक्रोस्कोप को ख़रीद भी सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों, अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट।
दोस्तों आज की वीडियो में मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शॉर्ट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है समृद्ध, भाईवाब मलिक, आरशी सैफी, वैभव, सोमिल, अजय पाटिल, नवीन नीलम, कृतार्था कश्यप, नित्यांशु, विनीत साहू। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूँगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।